Om Ajnanatimrandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurnmilitam Yena Tasmai Shri Gurve Namaha. Sri Chaitanya Manovistam Isthapitam In Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadati Svabdantikam. Vande aham Shri Guru, Shri Utpad Kamalam, Shri Guru Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagra Jatam, Sahagana Raghunathanvitam, Tam Sajivam. Hey Krishna Karuna Sindho, Deen Bandhu Jagatpate, Gopesh Gopika Kant, Radha Kant, Namostute. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Gopal. Yada yadai dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthanam adharmasya tadatmanam srajamyam paritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Aaiye priya ben bhaiyo, Srimad Bhagavad Gita param gyan ki data hai, mukti data hai, भगवान से मिलाने वाला ज्ञान है, आत्मज्ञान, भगवत ज्ञान, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सभी प्रकार का ज्ञान भागवत गीता से प्राप्त हो जाता है. भागवत गीता का पठन पाठन श्रवण बड़ी श्रद्धा के साथ मनुष्य को करना चाहिए तो परम लाभ की प्राप्ति हो जाती है. परम प्रभु परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम उदय हो जाता है. प्रेम उदय होने से ही हमारा कल्याण हो पाता है, बाकी कोई मार्ग नहीं. हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा. कलिसंतरण उपनिषद के ये शब्द हैं. चैतन्य महाप्रभु जी इन शब्दों को बहुत दोहराते थे अपने जीवन काल में, लीला सम काल में, कि केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही एकमात्र मार्ग है उस परमात्मा उस परमेश्वर से मिलने का. दूसरा मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है. स्पेशली एक कलयुग के अंदर, कलयुग यानी कलहयुग, जहां बात बात पे झगड़े हैं, शोर शराब, जलन ईर्ष्या, तमोगुण रजोगुण ज्यादा प्रबल है कलयुग में, सतोगुण न्यूनतम है. सतयुग में सतोगुण पूर्णतम होता है, त्रेता में घट जाता है, रजोगुण प्रबल होने लगता है. द्वापर में पूर्णतया रजोगुण और तमोगुण दोनों ही प्रवेश हो जाते हैं, लेकिन कलयुग में पूर्णतया तमोगुण सवार अधिक हो जाता है जब कलयुग की आयु आगे पहुंचती है. हरि का नाम एकमात्र मार्ग क्यों है? क्योंकि हरि का नाम लेने से भगवान हरि का प्रेम हमारे हृदय में उदय होता है. जैसे एक मां अपने बच्चे को बार बार बुलाती है, मोहन बेटा, मोहन मोहन रोटी खा ले, मोहन लेट जा, मोहन बैठ जा, मोहन स्कूल जा, मोहन होमवर्क कर, बार बार मोहन मोहन कहते कहते मोहन नामक बच्चे से उसका प्रेम इतना उदय हो जाता है कि मोहन के बिना वो नहीं रह सकती. इसी प्रकार से भक्त जब भगवान के नामों का, पवित्र नामों का जाप करता है, उच्चारण करता है, कीर्तन करता है, तो उसके हृदय में प्रभु का प्रेम प्यार भर जाता है.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण जहां भी होंगे उनके हृदय में उनका प्रेम भरने लगता है नाम जप करने से, पवित्र नाम उच्चारण करने से। इसलिए कलि संतरण उपनिषद के ऋषियों ने और चैतन्य महाप्रभु जी ने बार बार इसको क्यों दोहराया, कलयुग के लिए स्पेशली हरि का नाम एकमात्र मार्ग है कल्याण का, उस भगवान के धाम को जाने का, उस शाश्वत शांति का। मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम पावनेभ्यो अपि पावनम हरिर्नाम एव केवलम। केवल हरि का नाम पवित्र करने वालों में अति पवित्र है, मंगलकारियों में अति मंगलकारी है, मधुरतम वस्तुओं में सबसे अधिक मधुरतम है। काचायाम विस्मृतम रत्नम। अरे मनुष्य, इन कांच के टुकड़ों के बदले में असली रत्न को, असली हीरों को छोड़ रहा है। और असली हीरे क्या है? हरिर नाम एव केवलम, हरिर नाम एव केवलम, आब्रह्म पर्यंत सर्वत्र सर्वमाया मयम जगत। छोटे कण से लेकर के चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी तक ये सारा संसार मायामय है, यानी ब्रह्म जाल है, ब्रह्म जाल है। इस ब्रह्म जाल में ये जीव फंसा हुआ है, भ्रमित होकर के अंधकार की ओर भागता है, उजाले को त्यागता है, भ्रमित होकर के संसार के भोगों की ओर दौड़ता है और परम भोग भगवान के पवित्र धाम को, परमानंद को भूलता है, संसार के भोगों में दुख को ओढ़ता है, दुखों को, दुखों की चदरिया ओढ़ता है और सुखों की चदरिया उतारता है, त्यागता है। ये भ्रम जाल है, इसको भ्रम हो जाता है कि इस नारी में सुख नहीं मिला, दूसरी किसी अन्य नारी में मिलेगा, ये सब भ्रम है। इस शराब को पीने से सुख नहीं मिला, उस शराब को पीने से सुख मिलेगा, ये सब भ्रम है। सिगार पीने से सुख नहीं मिला, सिगरेट में पीने से सुख मिलेगा, भंग पीने से नशा अच्छा नहीं मिला, शायद हीरोइन पीने से, गर्दा पीने से, सफेद पाउडर पीने से मिलेगा, ये सब भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरे बेटे हैं, पोते हैं, पड़पोते हैं, मेरा मकान है, मैं हूं और मेरा है। वो भौतिक संसार का, भौतिक वस्तुओं का प्रोप्राइटर, मालिक बनने बन जाता है। दरअसल में सच्चाई में मालिक वो नहीं है, मालिक तो सभी सारे सकल भूमि गोपाल की, सभी का तो मालिक, सभी प्रॉपर्टी उस परमात्मा की है, उसने दिया कृपा करके, वो चाहे जब ले सकता है लेता है, ले लेता है वापस। कोई भूपति बनता है, कोई अरबपति बनता है, कोई नारीपति बनता है, है? कोई भी नहीं चाहता खगपति बनूं, सब कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, प्रोप्राइटर मालिक बनना चाहते हैं। तो ये सब भ्रम हो जाता है कि हम मालिक हैं, मैं मालिक हूं, नहीं, मालिक वो है, हम तो उनके दास हैं, हम उनके मैनेजर हैं, ये परिवार उनकी फुलवारी है, उनके बाग बाग है।